हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं सिर्फ जिस पे वीडियो बनाना है वही आपको दिखाऊंगी और कोई पेड़ नहीं दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये है गॉम्फ्रेना। और गॉम्फ्रेना एक इतना सुंदर फूल होता है जो मेरे ख्याल से पूरे साल ही खिला रहता है, और एक ही परमानेंट और हार्डी प्लांट होता है। आपने अगर एक बार इसको अपने गार्डन में लगा लिया तो फिर बहुत मतलब लंबे समय तक ये गार्डन में खिला रहता है, इसके फूल हमेशा खिले रहते हैं। और दोस्तों देखिए, जब इस तरह के फूल होते हैं तो हनी बीज हमारे गार्डन में आती रहती हैं, और तितलियाँ, इतनी सुंदर सुंदर तितली आती हैं। अभी तो शाम का समय है इसलिए मैं आपको तितली नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं तो दिन में तो पूरे दिन तितलियाँ आती रहती हैं गार्डन में। तो हमें इन फूलों को ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहिए। आज मैं इसी प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लांट है और इतना बम्पर फ्लावरिंग कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सिर्फ एक प्लांट है ये, और देखिए इसने पूरे गमले को मेरे घेर रखा है। और इसको कैसे लगाना है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, इसको लगाने के लिए प्लांटर की बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको 12 इंच के प्लांटर में भी लगा सकते हैं, इसको 8 इंच के प्लांटर में भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी लगाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं छोटा साइज ही आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, छोटा सा पेंट का डिब्बा है, आधा किलो का, आधा लीटर का, और उसके अंदर ये मैंने प्लांट लगाया हुआ है। इसमें भी इसने इतनी बम्पर फ्लावरिंग की है दोस्तों, लेकिन अभी आज मैं पानी नहीं लगा पाई थी तो थोड़े से इसके फूल सूखे सूखे से लग रहे हैं। आप देखिए कितना बोशी प्लांट है इसके अंदर भी, और जो फूल पुराने हो गए हैं वो थोड़े से इस तरह से सूखे सूखे हैं। तो आप इसको हाफ़ के जी हाफ लीटर के पेंट के डिब्बे में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, यहाँ तक कि इतने छोटे से प्लांटर में, जो 4-5 इंच का प्लांटर होता है उसमें भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। लेकिन जब हम इसे बड़ा प्लांटर देते हैं तब ये बम्पर फ्लावरिंग करता है और फिर लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, इसको लगाना कैसे है? देखिए, जब ये फूल सूख जाते हैं तो इस तरह से ये देखिए इनका कलर चेंज हो जाता है। जब ये फूल सूख जाता है तब इसका कलर चेंज हो जाता है और इसमें सीड बनने लग जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको निकालते के दिखा रही हूँ, इस तरह से इसकी सीड बन जाते हैं। और ये जब अपने आप ही गमलों में और दूसरों में गिरता रहता है तो इसके नए नए प्लांट निकलने लगते हैं। वैसे तो इसका जो सबसे अच्छा फ्लावरिंग का समय है ये समर सीजन ही होता है, और ये नवंबर दिसंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और इसके फूल जब एक बार खिलते हैं तो 4-5 महीने तक इसी तरह से खिले रहते हैं। जब ये प्लांट अगर आपका बेकार भी हो जाए तो आप इन फूलों को तोड़कर इनका बुके भी बना सकते हैं। बुके बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। अगर आपको वाइट फ्लावर अच्छे नहीं लगते तो आप इसी, जब ये कलर है इसका फूल का, इसी समय आप इनको कट कर लीजिए और इसका सुंदर सा बुके बना लीजिए। आपके अपने घर को डेकोरेशन करने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं। तो इसके बीज अगर आप सीड निकाल लेंगे तो इन सीड से ही बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके पानी के लिए, धूप के लिए। तो हमें इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिल सके। और दोस्तों, पानी की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। ये अगर हम 1-2 दिन पानी देना भी भूल जाते हैं ना समर में, जैसे जुलाई अगस्त का टाइम है, और अगर आप इतनी गर्मी में भी 1-2 दिन पानी देना भूल जाएंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसको बहुत ज़्यादा नीड पानी की भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा धूप की भी नहीं होती है। और अगर हम कम धूप देंगे तो इसके फ्लावर का कलर जो है फेड नहीं होता है जल्दी, इसी तरह से ये कलर बना रहता है। बस इसको 3 से 4 घंटे की धूप देनी है आपको, और जैसे आप और पेड़ों में डेली पानी देते हैं आप इसी तरह से इसको भी पानी दे सकते हैं। अगर और पेड़ होते हैं जिनमें पानी नहीं लगता एक दिन तो वो एकदम मुरझा जाते हैं, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह से फ्लावरिंग करता है और प्लांट इसी तरह से हरा भरा बना रहता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी फर्टिलाइजर के। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें 3-3.5 महीने के बाद इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र में हम वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, गाय के गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन काउडंग कंपोस्ट आपकी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जो बहुत साल पुरानी हो, 1 से 1.5 साल पुरानी हो। आप ताज़ी खाद अगर देंगे प्लांट में तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट कहीं से भी ले सकते हैं। और एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 8 इंच
8 इंच का प्लांटर अगर आपका है तो आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, 12 इंच का प्लांटर है तो आप 2 से 2.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें दे दीजिए। और जिस तरह से आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र, अनियन पील का फर्टिलाइज़र या फिर जो भी आप फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो फर्टिलाइज़र आप जैसे और प्लांट को देते हैं उसी तरह से अपने इस प्लांट को भी देते रहिए। अब हम बात करेंगे इसमें इंसेक्ट लगने की। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात इस प्लांट की अगर कोई है तो वो यही है कि इसमें कभी भी कोई इंसेक्ट नहीं लगते देखा मैंने, आज तक कभी इसमें मिलीबग नहीं देखा मैंने, किसी तरह का इंसेक्ट इसमें नहीं देखा है। लेकिन अगर आप बाकी पेड़ों में अपने नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो इसमें भी कर दीजिए। पहली बात तो इसमें इंसेक्ट लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप बाकी प्लांट में अपने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे उसी तरह से इसमें भी स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे एक ऐसा स्प्रे होता है जो आप अपने सभी प्लांटों में कर सकते हैं, सभी वेजिटेबल में कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा प्लांट में इंसेक्ट लगता ही नहीं है। तो आप इसमें इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी मैंने आज तक इसमें अपने प्लांट में कभी कोई इंसेक्ट लगते हुए नहीं देखा। दोस्तों दिवाली के समय तक इसके बम्पर फ्लावर खिलते रहते हैं और जब एक प्लांट आपका ख़राब हो जाता है तो तब तक आप देखेंगे कि आपके और प्लांटर में छोटे 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 नए प्लांट निकलने लगते हैं जो सीड गिरते हैं उनसे। तो आप उन प्लांट को ग्रो करते रहिए, पूरे साल आपके गार्डन में ये प्लांट बना रहेगा। आपने अगर एक बार इस प्लांट को ख़रीद लिया है तो फिर आपको दोबारा ये प्लांट नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो दोस्तों आप भी इसके बहुत सारे कलर लगाइएगा अपने गार्डन में लाला के, और इसी तरह से अपने गार्डन को फूलों से भर दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने वेजिटेबल वाले प्लांट लगाए हैं तो हनी बीज वगैरह इस तरह के आके पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे जितनी भी वेजिटेबल के प्लांट हैं, जैसे मैंने शिमला मिर्ची, बैंगन, लौकी, करेला ये सब लगाया हुआ है, तो उनका पॉलिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये फ्लावरिंग के प्लांट ज़रूर लगाइए, इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं है और किसी तरह का आपको इसका देखभाल करने की ज़रूरत, पानी की समस्या, धूप की समस्या, यहाँ तक कि प्लांटर की भी कोई समस्या नहीं है। आप छोटे से छोटे प्लांटर में अपने प्लांट को लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग भी लगाइए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।